नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की रीवा के भरोली में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शुद्ध भोजन ना बनने व मेन्यू मुताबिक ना बनाने जाने को लेकर सरपंच व छात्रों के अभिभावकों ने नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मेहर की ग्राम पंचायत भरोली के माध्यमिक व प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन स्कूली बच्चों को मेन्यू मुताबिक ना बनाए जाने व बच्चों को शुद्ध भोजन ना मिलने से छात्रों के अभिभावकों व सरपंच ने कई बार सीओ को शिकायत करने के बावजूद जनपद अधिकारियों से गार्ड बाट होने से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस विषय को लेकर सरपंच व स्कूल के बच्चों के अभिभावकों ने जिला सीओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर का नाम ज्ञापन सौंपा। युवा संवाददाता ईशान दुबे की रिपोर्ट। मध्याह्न भोजन को निरस्त करना है, निरस्त करवाने के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ आई हुई है। आप लोगों के पास क्या समस्या है? मैंने जो आप लोग आई हैं तो आप लोग लिखा पढ़ी क्या किए हैं, जिला सीओ को दी हैं, या कि आपके आपको और कौन सी समस्या है इसको बताएं। जिला पंचायत के एमडीएम प्रभारी कामता मिश्रा के विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं और समूहों को निरस्त कराना चाहते हैं। पांचों समूहों से, तीनों समूहों से क्यों दिक्कत क्या आ रही है, आप क्यों निरस्त करवा रही आ रही है? कामता मिश्रा 5 वर्ष से दोनों समूहों को ठेकेदारी से चलवा रही हैं जी। अब प्रति महीना समूह के ठेकेदार से 10,000 रुपया लेती हैं। जैसे ही वहाँ हमारे मैहर सीओ और एसडीएम द्वारा कार्रवाई की जाती है, वैसे यहाँ की एमडीएम प्रभारी कामता मिश्रा पैसा लेकर वहाँ भरौली में जाकर पैसा ले लेती हैं और हम पब्लिकों को गाली गलौज करती है, बदतमीज नालायक कहती है, कहती है मैं टीआई की बिटिया हूँ जी। और 20,000 रुपया कल ले आई है और 20,000 रुपया 8/9/2022 को ले आई है पिछले महीने। कौन दिया है पैसे, कौन दे रहा है हमको पैसा? वही जी ठेकेदार, हमको ठेकेदार राजकुमार प्रजापति ठेकेदार दे रहे हैं। हाँ, और सरपंच ने कार्रवाई पूरी किया है तो उसके ग्राम सभा के प्रस्ताव की और जिला सीओ साहब द्वारा कोई अनुमोदन नहीं किया जा रहा है, जबकि एसडीएम मैहर सीओ को कामता मिश्रा गुमराह किए हुए हैं। जो कामता मिश्रा पैसे लेकर के हम उनके ठेकेदार से जिला सीओ को गुमराह किए हुए हैं, जिला सीओ गुमराह में होकर के उसमें कार्रवाई नहीं कर रहा, गुमराह में रह करके कहीं कहेगा सांसद का फोन है, कहीं कहेगा विधायक का फोन है और कोई कार्रवाई 2 महीने से 16/8, 16/9, 16/10 2 महीने हो गए। पंचायत ने लिखा पढ़ी उसमें की, पंचायत में लिखा पढ़ी कर दिया, पूरी एसडीएम में प्रस्ताव भेज दिया, 3-3 बार जांच करवा लिया, बीआरसी भी ने जांच करवाया, भी भेज दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग के पंचायत में ग्राम सभा से निरस्त कर दिया गया है। कल तो कामता मैडम द्वारा बोला जाता है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वा डलवा दो, कामता मैडम द्वारा बोला जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़वाओ, गरीब है, हरिजन है, हमारे बच्चे लोग खाना खाते हैं, आप शब्दों का प्रयोग करती है, कामता मैडम बोलते हैं तो गाली गलौज करती है, बोलती पैसा लाओ सब सुनेंगे और यदि हम लोग पैसा नहीं देते तो बोलती प्राइवेट में स्कूल में एडमिशन कराओ, ये बोलते हैं। बताइए हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ पैसा पाएंगे इसकी प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाएंगे, खाना बच्चों को सही ढंग से मिलता नहीं है और अभिभावक लोग बोलते हैं तो लोग दाँत दूध के भगा देते हैं और प्राइवेट ठेका चल रहा है वहाँ। भाई फिर ग्राम पंचायत में सरपंच की मीटिंग लगाने की क्या ज़रूरत है जब भाई वहाँ की सुनवाई नहीं है, ना मास्टरों की है, ना किसी भी की वहाँ सुनवाई नहीं, ग्राम सभा या मीटिंग लेने की क्या जरूरत है पंचायत में? कामता मैडम ही मीटिंग ले ले, वही करे सब निर्णय। अनुबंध जो है निरस्त कर दी ग्राम पंचायत ने। कोई समस्या आती है हम लोग सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच लोग